हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिल्कुल मार्केट स्टाइल का ये देखिए स्पंज ढोकला बनाएंगे। और ये ढोकला बनाना बहुत ही आसान है और बिल्कुल घर के इंग्रेडिएंट से बन जाएगा झटपट से। जब भी मेहमान आए आप ये गर्मा गर्म ये ढोकला बनाइए और सर्व कीजिए। बहुत ही सॉफ्ट है फ्रेंड्स ये ढोकला, ये देखिए कितनी अच्छी स्पंज भी आया हुआ है। तो चलिए स्पंजी टेस्टी ढोकला बनाना हम शुरू करते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब श्वेतास किचन, थैंक यू। ढोकला बनाने के लिए ये देखिए हमने एक बाउल ले लिया है, इसमें अब मैं बेसन ऐड कर दूंगी। फ्रेंड इस समय मैं ये 2 कप बेसन ले रही हूँ, आप कोई भी मेजरमेंट के हिसाब से ये ले सकते हैं। अब इसमें मैं ये हल्दी पाउडर डाल दूंगी, थोड़ा सा ही डालिएगा जस्ट कलर के लिए, 1/2 टीस्पून। अब हम इसमें ये हींग ऐड कर देंगे। हींग डालने से फ्रेंड डाइजेशन भी बहुत अच्छा होता है और ढोकले का टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। तो ये देखिए मैं ये 1 पिंच हींग ऐड कर दे रही हूँ इसमें। अब ये ड्राई इंग्रेडिएंट को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे हम। बर्तन खोलने के लिए पानी तैयार करते हैं। तो ये देखिए मैंने एक बाउल ले लिया है जिसमें मैंने ये जिस कप से आपने मेजर करके 2 कप बेसन लिया है उसी कप से आप पानी ले लीजिए। तो ये 2 कप में पानी ले रही हूँ इस वक्त। अब इस पानी में हम नमक डालेंगे, ये 2 चम्मच नमक ले रही हूँ फ्रेंड्स। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक ऐड कर दीजिए। और अब मैं इसमें सिट्रिक एसिड भी आप डाल सकते हैं, नहीं तो ये देखिए मैं नींबू का रस डाल रही हूँ। तो ये लगभग हमें आधा नींबू का रस इसमें ऐड करना है, 1 टेबल स्पून नींबू रस, ताकि खटास अच्छी से मिले। ये है शुगर, ये मैंने ये देखिए शुगर मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ, क्योंकि ये जो ढोकला होता है थोड़ा सा खट्टा मीठा होता है, तो उसके लिए ये 2 चम्मच शुगर मैंने ऐड कर दी। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और एक अच्छा घोल बना लेंगे। अब ये देखिए ये जो हमने ये घोल तैयार किया है इसे अभी हमें धीरे धीरे बेसन में मिक्स करना है। अब इसी के साथ मैं इसमें ये चटनी भी डाल दे रही हूँ, ये है हरी चटनी जिसे लहसुन अदरक और हरी मिर्ची के साथ मैंने बनाया है। तो ये 1 चम्मच लहसुन अदरक और हरी मिर्ची का एक पेस्ट डाल देंगे ताकि ये बहुत अच्छा टेस्टी ढोकला बन जाए। अब ये पानी को हम थोड़ा थोड़ा इसमें डालेंगे और एक इसका एक सॉफ्ट बैटर बना लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और फ्रेंड्स ये ढोकला आपको एक बहुत ही अच्छा स्पंजी बनाना है तो ये एक टिप ध्यान रखिएगा कि हमें एक ही डायरेक्शन में इसे अच्छी तरह से फेंटना है। ये देखिए ये बहुत अच्छे से हमारा ये डो देखिए बिल्कुल तैयार हो गया है। और अभी ये थोड़ा सा पानी इसमें मैंने बचा हुआ है तो हम जैसी ज़रूरत होंगी वैसा ऐड करेंगे। ये देखिए अब इसमें हम तेल डाल देंगे, तो ये देखिए 2 बड़े चम्मच इसमें तेल डाल देंगे ताकि ये बहुत ही अच्छा सॉफ्ट रहे अंदर से भी, और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी देखिए फ्रेंड इसे हमें अभी रेस्ट में रखना है तो इसे अभी हम 15 मिनट के लिए इसी तरह ढककर रख देते हैं ताकि एक अच्छा सेट हो जाए। और तब तक चलिए हम पानी ढोकला बॉईल करने की तैयारी कर लेते हैं। तो ये देखिए एक कढ़ाई ली है मैंने, आप इसमें कोई भी ऐसा एक स्टैंड रख सकते हैं ताकि इसके ऊपर अब हम ढोकले की वो प्लेट रख सके। ये देखिए कढ़ाई को गर्म करने रख दिया है मैंने तेज आंच पे। अब इसमें मैं पानी ऐड कर ले रही हूँ और इसे ढककर अभी हम 10 मिनट के लिए उबाल देंगे ताकि जब तक हमारा ढोकला सेट हो रहा है तब तक ये अच्छे से उबल जाए। ये देखिए अभी बेसन हमारा बहुत ही बढ़िया सेट हो चुका है, आप ये देखते हैं बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट। अब हम इसमें इनो ऐड करेंगे, तो ये देखिए मैं इसमें 1 चम्मच ये इनो ऐड कर दे रही हूँ। इनो डालने से फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा स्पंज इसमें आएगा और ये बहुत बढ़िया। आप चाहे तो इसमें 1/2 टीस्पून सोडा ऐड कर सकते हैं, इनो से ये बहुत अच्छा है। इसमें अभी देखिए इनो को एक्टिवेट करने के लिए मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दे रही हूँ और अभी हम ये सारी चीज़ों को एक ही डायरेक्शन में अच्छी तरह से फेंट कर
एक ये देखिए, ये देखिए कितना अच्छे से इसमें अभी हवा ये हो रही है और ये बहुत ही हल्का हो गया है बेसन, अच्छा सॉफ्ट हो गया है। ऐसा ही बेसन हमें चाहिए फ्रेंड्स। और ये देखिए एक बार एक अच्छी तरह फेंट लेंगे और ये बिल्कुल रेडी हो गया, देखिए सॉफ्ट स्पंजी बेसन। इसी के साथ अब हम ढोकले के लिए प्लेट तैयार कर लेते हैं। इस समय मैं फ्रेंड्स ये केक टिन ले रही हूँ। आपके पास जो भी ढोकले के लिए प्लेट हो आप उसे तैयार कीजिए। इस तरह से इसमें ऑयल डालेंगे हम 1 चम्मच और इसे अच्छी तरह से चारों तरफ से ग्रीस कर लेंगे ताकि ढोकला जब हम निकालें तो बहुत अच्छी तरह से निकल जाए। ये देखिए इस तरह से सेट कर लीजिए। और उसके बाद अब हम इसमें जो हमने ये ढोकले का बैटर बनाया हुआ है उसे अब हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए बैटर हमारा बहुत ही बढ़िया लग रहा है और देखिए बिल्कुल फ्री फ्लो है और बहुत अच्छा। ये देखिए फ्रेंड्स इसी तरह से ये फूला हुआ होना चाहिए ये बेसन, तो इससे ये ढोकला जो है ये बहुत ही बढ़िया बनता है। सारा बैटर निकाल दिया है, इसको भी थोड़ा सा टैप कर लेते हैं ताकि ये चारों तरफ अच्छी तरह से सेट हो जाए। और अब हम इसे कढ़ाई में, ये देखिए हमने जो पानी गर्म करने रखा था वो अच्छे से गर्म हो चुका है, चेक कर लेते हैं। ये देखिए अब हम इसके ऊपर ये जो हमने बैटर बन ये रख देंगे ताकि ढोकला हमारा अच्छी तरह से फूल जाए। अब हम इसे ढककर 15 मिनट के लिए बॉईल होने रख देते हैं। और ये 15 मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स, अभी चेक कर लेते हैं। ये बहुत ही बढ़िया हमारा देखिए ढोकला बिल्कुल सेट हो चुका है। इसे चाहे तो आप 5 मिनट के लिए अब हम बाहर निकाल के इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। बहुत आराम से खींचेगा फ्रेंड्स। तो चलिए ये देखिए अब हम इसके साथ एक तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तड़के के लिए देखिए एक पैन लिया है मैंने, इसमें मैंने 2 चम्मच तेल डाला है, इसमें सरसों डाल देंगे, राई, और उसे अच्छी तरह से चिटकने देंगे। देखिए सरसों हमारी बहुत बढ़िया तरीके से पक। अब हम इसमें ये हरी मिर्च डाल देंगे। फ्रेंड्स ये मैं हरी मिर्च को इस तरह से मैंने लंबे लंबे कट किया है जिस तरह से रेस्टोरेंट में होता है। ये करी लीव्स डाल देंगे, 7-8 करी लीव्स, 3-4 हरी मिर्च। और ये देखिए इस तरह से इसे थोड़ा देर अच्छी तरह से तेल में फ्राई होने देंगे। अब फ्रेंड्स इसमें हम ये पानी डाल देंगे। ये लगभग मैं ये 1/2 कप पानी ले रही हूँ, ये 1/2 कप पानी डाल देंगे इसमें और इसे हमें अच्छी तरह बॉईल होने देना है। ये थोड़ा सा हम शुगर भी ऐड कर दे रहे हैं, 1 टीस्पून शुगर, ताकि ये हमारा जो लिक्विड है ये इसमें ढोकले पे जब हम डालेंगे तो एक खट्टा मीठा अच्छा टेस्ट आए। नमक डाल देंगे 1/2 टीस्पून और ये थोड़ा सा 1/2 टीस्पून से 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब इस पानी में हम एक बॉईल आने देंगे अच्छी तरह से। ये देखिए हमारा ये तड़का वाटर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब ये देखिए अब हम ये ढोकला भी हमारा ठंडा हो गया है तो इसे अब हम निकाल लेते हैं। देखिए चाकू की हेल्प से हम इस तरह से इसे निकाल लेंगे।
से इस तरह से टैप करके निकालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया निकल गया है, बहुत ही इजीली, क्योंकि हमने इसमें ऑयल लगाया था तो बिल्कुल झट से बाहर आ गया ये, और बहुत ही बढ़िया स्पॉन्जी ढोकला बना है। आप खुद देखिए, बहुत ही झटपट बनता है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, और यकीन मानिए इसका टेस्ट बहुत ही सुपर आएगा। तो चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से, आपको जितने बड़े या छोटे पीसेस चाहिए आप उस हिसाब से इसे कट कर लीजिए। अब हमने जो तड़का डाला है ये देखिए, ये तड़के को अब हम इसके ऊपर इस तरह से फैला देंगे। एक चम्मच की हेल्प से ये तड़के को अच्छी तरह से इसमें डाल दीजिए। और फ्रेंड्स हमें इसे इसी तरह से डाल के 5 मिनट के लिए रखना होगा, ताकि ये जो जितना भी ये तड़के वाला पानी है ये इस ढोकले के इसमें बहुत अच्छा टेस्ट देगा, तो थोड़ा सा ये इसमें सब अच्छी तरह से सेट हो जाए। आप चाहे तो इस ढोकले के ऊपर, आप अगर आपके पास कोकोनट पाउडर है, ये देखिए मैं थोड़ी सी इसमें धनिया भी डाल दे रही हूँ, आप चाहे तो इसके ऊपर ग्रेटेड कोकोनट भी डाल सकते हैं, नारियल का बुरादा। और ये देखिए यहाँ आपका ढोकला बहुत ही बढ़िया तैयार हो गया है, आप खुद देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना अच्छा स्पॉन्जी है। चलिए अब हम इस ढोकले को सर्व करेंगे, ये एक प्लेट में गर्मा गर्म ढोकला, इसका टेस्ट बहुत ही सुपर आता है फ्रेंड्स, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये हमने घर में बनाया है, बिल्कुल ये होटल्स में इसी तरह बनाया जाता है इंस्टेंट ढोकला, टेस्टी सुपर्ब जालीदार और बहुत ही सॉफ्ट ढोकला। इस रेसिपी को आप फ्रेंड्स ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, और अगर आपको ये अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड सब्सक्राइब श्वेता'स किचन। थैंक यू।